पाकिस्तान ने कर दिया है एक बहुत बड़ा टीम को एक्सक्लूड उनके फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम पर। तो वो कौन सा टीम है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़कर ये भी बात करूंगा कि जस्टिन लैंगर ने क्या कहा है ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में अगेंस्ट द टेस्ट्स वर्सेस इंडिया, जो बस अभी 17 तारीख को शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी करेंगे बात। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम करेंगे बात सुनील गावस्कर के बारे में, बिकॉज ही इज कम आउट एंड सेड हु हिज फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर फॉर दीज टेस्ट्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज। तो इन सारी चीजों के बारे में हम करेंगे बात। लेकिन उसके पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अब तक किया नहीं है तो क्रिक ट्रैकर के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा कर रख दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डाल देंगे आपके फोन पर आपके कंप्यूटर पर आपको पता चल जाएगा, यू कैन इमीडिएटली हैव अ लुक एट इट। तो बगैर वक्त जाया करें दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भारत का नाम उन्होंने नहीं रखा है, हटा दिया है। फ्रॉम द 2023 टू 2027 तक का जो स्केड्यूल है वहाँ पे भारत का नाम उन्होंने डाला नहीं है। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान के जो चीफ हैं एहसान मनी, उन्होंने ये भी कहा है कि ये एज अ मॉनेटरी वैल्यू उनको बहुत लॉस देने वाला है, बट दैट इज़ नॉट वॉट दे आर कंसर्न अबाउट राइट नाउ। देर आर क्वाइट अ फ्यू सीरीज प्लान फॉर देम इन द नेक्स्ट 4 years, नेक्स्ट 4-5 years, बट भारत इज नॉट वन ऑफ दोज, इंडिया इज नॉट वन ऑफ दोज टीम्स दैट दे आर गोइंग टू पार्टेक इन एनी कॉम्पिटिशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीडिया राइट्स भी नहीं देना चाहते हैं। सो दैट इज सम बिग न्यूज कमिंग आउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आगे बढ़कर बात करेंगे जस्टिन लैंगर के बारे में, बिकॉज ही इज नाउ कम अप विद हु हिज ओपनिंग बैट्समैन इज गोइंग टू बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये, एंड दिस इज कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन ऑब्वियसली सफर्ड अ कंकशन इन द सेकेंड वार्म अप गेम, और ही इज नाउ बीन ट्रीटेड बाई द मेडिकल पीपल देयर इन द टीम, एंड दे बीन टेकिंग केयर ऑफ हिम। और जस्टिन लैंगर ने यह कहा है कि अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर देते हैं, इफ ही इज नॉट शोइंग एनी कंकशन साइंस, ही विल डेफिनेटली मेक हिज टेस्ट डेब्यू। सो दैट्स बिग न्यूज फॉर Cameron Green. He's been in great form. He's a good all-rounder, good quick bowler, brilliant right-handed batsman. Scored a lot of runs. और हम सब बहुत excited होंगे Cameron Green को उनका test debut करते हुए देखने के लिए, because it's always going to be the battle of the greatest of greatest, and this is going to be one of those battles if he definitely is playing. आगे बढ़कर आखिर में बात करता हूँ इसी test series के बारे में, because Sunil Gavaskar has now come out and said that Rishabh Pant is his first choice wicketkeeper, and he has a fair reason to back that up as well, because he says कि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच हुआ था डाउन अंडर, एंड इंडिया ऑब्वियसली वन दैट, दे रिक्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, उस सीरीज में सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर ऋषभ पंत थे, शतक भी लगाया था उन्होंने। एंड ही ऑल्सो सेड दैट यू नो बिकॉज ही प्लेड इन ऑल दोज 4 test matches इन द प्रीवियस सीरीज, ही ऑल्सो स्कोर अ सेंचुरी। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी ये जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं वहां पर भी उन्होंने एक शतक लगाया हुआ है, दैट इज वाई ही इज गोइंग विद ऋषभ पंत एज हिज फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। सो दोस्तों ये है आज की सारी खबर, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग गया। इन द कमेंट्स डू लेट मी नो इफ ऋषभ पंत इज योर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, डू यू थिंक इट शुड बी केएल राहुल, डू यू थिंक इट शुड बी रिद्धिमान साहा, जो भी आपका नाम है कमेंट्स में बता दीजिए। एंड अगर अब तक किया नहीं है तो जैसे मैंने पहले कहा था, क्रिकेट ट्रैकर के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्रिकेट जगत की सारी जानकारी जब भी हम आपकी तरफ लेकर आ जाए आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो दोस्तों बहुत मजा आ गया आप लोगों से बात करते हुए, बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसे ही वीडियोज के साथ।